सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जहरा शेख। खबरें विस्तार जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदयपुर एसीबी ने 13 लाख की रिश्वत लेते हुए एक्सएन को पकड़ा, पाली में आकर की कार्रवाई। रंजिश को लेकर दो गैंग हुए आमने सामने, दो आदतन अपराधियों के रिश्तेदारों के बीच हुआ झगड़ा। कुंभलगढ़ विधायक की अधिकारियों को खुली धमकी, बोले सरकार बनने के बाद जैसलमेर बाड़मेर में करेंगे ट्रांसफर। बाल आयोग अध्यक्ष का 3 दिवसीय दौरा खत्म, निरीक्षण के बाद ली समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एसीबी की कार्रवाई की। पाली NHIDCL के XEN यज्ञदत्त विधवा को 13 लाख रुपए रिश्वत लेते मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। रिश्वतखोर के कब्जे से एप्पल का लैपटॉप मैकबुक भी बरामद किया गया। रिश्वत में महंगा लैपटॉप मिलने के बाद लालच बढ़ता गया और रुपयों की डिमांड करने लगा। कार्रवाई एसीबी उदयपुर की टीम ने पाली में की है। मामले में ब्यावर गोमती पैकेज 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर विमल कुमार पुत्र बद्री नारायण ने शिकायत की थी। अधिकारी PWD का है। एसीबी उदयपुर के डिप्टी हैरम जोशी ने बताया कि रिश्वत लेते हुए NHIDCL राष्ट्रीय मार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पाली के जैन यज्ञदत्त विधवा को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया अधिकारी जयपुर का रहने वाला है, उसके घर पर भी छानबीन की जा रही है। अधिकारी PWD का है। फिलहाल नेशनल हाईवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। मामले में ब्यावर गोमती पैकेज 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर विमल कुमार पुत्र बर्दी नारायण ने जैन के खिलाफ शिकायत की थी। मैनेजर ने एसीबी को शिकायत में बताया था कि उसका हाईवे पर 188 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। ब्यावर गोमती के बीच रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंपनी की HR हैंड रिसिप्ट 75 लाख रुपये रिलीज करने और कार्य में बाधा न पहुँचाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मामले की जांच के लिए आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। एसीबी टीम ने आज प्लान बनाकर प्रोजेक्ट मैनेजर विमल कुमार को रिश्वत के 13 लाख रुपए लेकर भेजा। मैनेजर हाईवे पर पहुंचा तो जैन यज्ञदत्त ने उसे पणिहारी होटल के पास बुलाया। मैनेजर ने 13 लाख रुपए यज्ञदत्त को दिए। रुपए लेते ही जैन को एसीबी टीम ने दबोच लिया। एसीबी टीम ने रिश्वत के 13 लाख रुपए बरामद कर जैन को पकड़ा। उदयपुर में आपसी रंजिश को लेकर एक बार फिर से गैंगवार शुरू हो गई है। मंगलवार दोपहर रेलवे स्टेशन रोड से गुजरते वक्त नितिन रसीटा का कुछ बदमाशों ने पीछा किया और चाकू से वार करने लगे। ऐसे में पीड़ित नितिन अपनी जान बचाने के लिए एक बैटरी की दुकान में घुस गया। बाद में बदमाशों ने दुकान में पत्थर और ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। पथराव में दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। देवारी निवासी नितिन वसीटा और यूनिवर्सिटी निवासी दुकान मालिक अभिलाष हिंगड़ ने सूरजपोल पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पीड़ित नितिन ने बताया कि वह पारा चौराहे से गुजर रहा था, तभी नरेश हरिजन का भतीजा गोलू, रकमपुरा निवासी दुर्गेश, किशन भाट और लकी के साथ करीब 10-12 लोग उसकी रेकी कर रहे थे। पारस चौराहे से निकलने के बाद सभी ने उसका पीछा किया। इसके बाद बदमाशों ने चाकू दिखाकर जानलेवा हमला भी किया, जिस पर उसने जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन रोड पर देवकिशन ऑटोमोबाइल की दुकान में शरण ले ली। बदमाशों ने दुकान में पत्थरों और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और नितिन को भी चोटें आई। दुकान मालिक और नितिन ने सूरजपोल पहुंचकर सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है। घटना में पीड़ित और आरोपी दोनों ही पक्ष दो अलग अलग थानों के हिस्ट्री शीटर के रिश्तेदार हैं। पीड़ित नितिन वसीटा अम्बामाता थाने के हिस्ट्री शीटर प्रवीण वसीटा का भतीजा है। वहीं आरोपी गोलू सूरजपोल थाने के हिस्ट्री शीटर नरेश हरिजन का भतीजा है। आज भी एक घंटा पहले श्री नितिन वसीटा निवासी नीमच खेड़ा थाना अम्बामाता ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट अभी पेश कर रहे हैं कि वो तथा उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर बैठकर गोवर्धन विलास से सिटी की तरफ आ रहे थे, तो रेलवे स्टेशन के आसपास
पहले से कोई उनके पड़ोस के रहने वाले साहिल भाट और किशन भाट और उसके साथ 8-10 लड़के और थे जिन्होंने कि उनकी गाड़ी को देखकर पीछे से पत्थर मारा, जिससे वो नीचे गिर गए गाड़ी से और उन पर हमला किया। और उन्होंने अपने जो पड़ोस में एक ऑटोमोबाइल की दुकान में घुसकर अपने आप को बचाया। उन बदमाशों ने उस दुकान में भी काफ़ी तोड़फोड़ करके नुकसान पहुँचाया और इनकी हाथों पैरों पर माउंट चोट आई है। पुलिस उसका मेडिकल करा रही है और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान कर रही है। प्रार्थी से इस बारे में गहन पूछताछ की गई है और डिप्टी साहब खुद ही थाने पर मौजूद हैं और उन्हें पूछताछ की, तो गैंगवार जैसी बात प्रथम दृष्टया कोई सामने नहीं आई है और न कोई किसी ये जो प्रार्थी है किसी गैंगवार से जुड़ा व्यक्ति है, न इनके साथ कोई गैंग थी। जिन लोगों ने हमला किया है वो पड़ोसी प्रार्थी के पड़ोस में ही रहने वाले नीमच खड़ा के, दोनों एक ही जगह के एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और पुरानी कोई रंजिश वजह इनके लड़ाई झगड़ा हुआ है। राजसमंद भाजपा के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट का शपथ ग्रहण समारोह उस वक्त चर्चा में आ गया जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकारी कर्मचारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दे डाली की कहा कि हमारी सरकार आने पर इनको जैसलमेर और बाड़मेर के 50 डिग्री तापमान में तपती धूप में काम करने के लिए भेजेंगे, तभी ऐसे कर्मचारियों को अकल ठिकाने आएगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे सरकार कर्मचारी व अधिकारी का नाम लाल डायरी में नोट करना शुरू कर दो, जो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के 3 महीने पहले से ही अधिकारी आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है, उनको सजा देनी है। राज आइयो 24 में 50-55 डिग्री का तापमान होगा, दोनों विधान याद आई। अरे मान सिंह ने निवेदन से वो आपने आज कही दू कौन कौन कर्मचारी है भारतीय पार्टी का धर्मी तो परेशान करे या कार्यकर्ता ने परेशान करे, तो आप आयरन बैग में एक डायरी अलग रखो और हमारा डायरी में नाम लिखो। क्यों वे अपना हुशियार अधिकारी है कि चुनाव छेड़ना पे चाय पिलाए वो चुनाव का पीना बाकी नहीं कचोरी और पिला और मीठी मीठी बातें नहीं करी। अरे भाई साहब अब क्या था आपको रहा जाएगी वो और अपना कार्यकर्ता तो बोलो है कि गाड़ी में बैग में आई कड़ी है साहब माफी मांग ली थी, वो बड़ो बल्लवा विधान आपकी लाल डायरी में नाम लिखे तो वो बता दो वो बल्लो नहीं है। राजसमंद जिले की आमेट कुंभलगढ़ सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सबक सिखाने और जैसलमेर बाड़मेर ट्रांसफर करने वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आमेट नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने विधायक राठौड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्य को विधायक राठौड़ हजम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में वह अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। चेयरमैन मेवाड़ा ने कहा कि DMFT फंड के ज़िले भर में विकास किया जा रहा है, लेकिन विधायक राठौड़ को ज़िले का विकास सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राठौड़ पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, ऐसे में उन्हें आगामी चुनाव में अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, इस वजह से वो सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। माननीय विधायक महोदय द्वारा जिस तरीके से राज्य कर्मचारियों को जैसलमेर और बाड़मेर भेजकर 50 डिग्री टेम्परेचर में कार्य कराने की जो धमकियाँ दे रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है। वह अपनी विफलता छुपाने के लिए कर्मचारियों के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं और वह क्षेत्र का DMFT फंड से जो विकास हो रहा है उसे वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके की गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैं इनकी निंदा करता हूं और राज्य कर्मचारी द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं मैं उनकी स्वागत करता हूं। यह इस क्षेत्र में अच्छे विकास और कार्य हो रहे हैं उसके लिए ये इस तरीके की बयानबाजी देते हैं और ये इनका पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जो उनको नहीं देने चाहिए।
बाल आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दल उदयपुर यात्रा पर रहा। इस दौरान जनजाति अंचल सराड़ा और जयसमंद के विभिन्न गांवों में जन सुनवाई की गई। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि गांवों के स्तर बाल अधिकारियों के संरक्षण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में ग्रामीण अंचल के बच्चों के उत्थान के लिए जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना पड़ेगा। बेनीवाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अक्सर बाल तस्करी के मामले ज्यादा देखे गए हैं, उसे रोकने के लिए उदयपुर में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिला परिषद सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों और एनजीओ से जुड़े लोगों की बैठक लेते हुए आदिवासी अंचल के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। जयसमंद इलाके में टापुओं पर रहकर नावों से सफर कर गांवों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर बेनीवाल विशेष चिंतित दिखाई दी। जान जोखिम में डालकर टूटी फूटी नावों से जयसमंद झील को पार करते हुए स्कूल पहुंचने वाले बच्चों के लिए बेनीवाल ने कहा कि जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर उन्हें नाव उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी जान को कोई खतरा ना हो। अधिकतर जो हमारे पास समस्याएं आई, चाहे वो आंगनबाड़ी को लेकर बात हो, चाहे वह सड़क तक नहीं पहुँच पाना वो बात हो, बारिश के समय वो बच्चे नाव में बैठ के स्कूल जाने में असमर्थ महसूस करते हैं। साथ ही में उदयपुर की जब भी बात आती है तो सबसे ज़्यादा चिंता जो है वहाँ यहाँ से अन्य राज्यों में बच्चे जो रोज़गार के लिए जाते हैं, नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ भी, उसको लेकर एक चिंता हमेशा रहती है। अभी एक बैठक रखी गई और कलेक्टर महोदय ने जिस तरह से बताया कि आने वाले समय में इनके द्वारा जो यहाँ पर बहुत सारी NGOs कार्य कर रही हैं उनका 3 दिवसीय यहाँ सेमिनार रखेंगे, वर्कशॉप रखेंगे और किस तरह से इसके ऊपर कार्य किया जाए ताकि हम बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा दे सकें। और उदयपुर जो कि एक पर्यटन स्थली है, वहाँ पर अधिक से अधिक किस तरह से रोज़गार के साधन हम उपलब्ध करा सकें ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अन्य राज्यों में रोज़गार हेतु जाते हैं, वो वहाँ नहीं जाकर इसी उदयपुर में उनके परिवारजनों को जीविका से जोड़ा जाए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र के केसुंडा गांव में भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर विकास प्रजापति की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्री के बाहर मेवाड़ा प्रजापत समाज सेवा संस्थान, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला शाखा उदयपुर एवं मेवाड़ा प्रजापत समाज युवा संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला शाखा उदयपुर के विष्णु प्रजापत ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने विकास की हत्या की और करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से पार्टी चुनने का अधिकार है, लेकिन असामाजिक तत्वों ने विकास को इस अधिकार का हनन करने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान संगठन के सदस्यों ने मृतक के परिजनों में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तथा परिवार वालों को 50 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करने की मांग की। छोटी सादड़ी के केसुंडा में विकास प्रजापत को गांव के दबंगों ने अपहरण करके बेरहमी से मारा पीटा और गर्म पानी से छींटा। इस हालत में परिवारजन उसको लेकर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से उदयपुर लेकर आए और यहाँ पर गंभीर स्थिति में उसकी डेथ हो गई, जिसका मेडिकल बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम करवाया। गांव के दबंगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसके लिए सभी प्रजापत समाज के लोग हम एकत्रित होकर यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। SDM साहब को ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में, जो मुख्यमंत्री तक पहुँचे। और हमारे समाज की यही मांग है कि विकास प्रजापत को न्याय मिले, उसको 50 लाख रुपए का उसके परिवार को मुआवजा मिले, छोटी बहन को सरकारी नौकरी मिले और जो ये दबंग लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की वारदात की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, यही समाज की मांग। उस्ताद श्री अर्जुन पहलवान स्मृति समिति द्वारा प्रथम पुण्य तिथि के मौके पर भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड पर निःशुल्क कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कुश्ती प्रतियोगिता 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। इसी मौके पर कुश्ती प्रशिक्षक हरीश राजौरा ने बताया कि पिता उस्ताद अर्जुन राजौरा की पहली पुण्यतिथि पर राज्य स्तरीय अंडर 23 स्टाइल
गीक्रो रोमन व महिला कुश्ती प्रतियोगिता को आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान में 700 पहलवान और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भाग लिया है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पेटर्सन के नियमानुसार 12x12 मीटर की कुश्ती में मैट पर कुश्ती हो रही है। पहलवान हरीश राजौरा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान सरकार की ओर से फर्स्ट को 1,00,000 रुपये, सेकेंड को 50,000 रुपये और थर्ड को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस चैंपियनशिप से कई युवा नेशनल तक पहुँच सकते हैं। हमारे पूजनीय पिताजी और उस्ताद श्री अर्जुन जी राजौरा की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य स्तरीय अंडर 23 ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल और महिला फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन भंडारी दर्शक मंडप गांधी ग्राउंड में रखा है, जिसमें पूरे राजस्थान से 700 पहलवान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक यहाँ पधारे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ पर आए हैं। ये भी पहलवान हमारा जूनियर का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है और राजस्थान से और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे कई पहलवानों ने यहाँ पर आए हैं और जो पहलवान इस प्रतियोगिता में फर्स्ट आएगा उसको राजस्थान सरकार की ओर से 1,00,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। फर्स्ट को, सेकंड को 50,000 का और थर्ड को 25,000 रुपये का इनाम राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा। और ये चैम्पियनशिप बहुत महत्वपूर्ण है, इसी चैम्पियनशिप के माध्यम से बच्चे नेशनल में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय भी खेल के आया हूँ, 2022 में बुल्गारिया टीम गई थी हमारी, अपने अंतर्राष्ट्रीय भी मैं कई कंपटीशन खेल चुका हूँ और सीनियर में कई बार मेडल भी है मेरे, खेलो इंडिया में भी है और सीनियर नेशनल अभी हुआ था उसमें भी मैं सिल्वर मेडल आया है। और जी खाने की व्यवस्था तो यहाँ सही है सर, जैसे कंपटीशन हम लड़काए हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन करा रखा भाई साहब ने और सारी सुविधा मिल रही है जिम में और बहुत ही बढ़िया प्रधान सुंदर देवी एवं गोगुंदा सरपंच कालू लाल के साथ गोगुंदा मेले में मंच पर हुई अभद्रता को लेकर के भील समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया एवं दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। गणगौर मेले के समापन के अवसर पर बिन बुलाए आई जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर द्वारा गोगुंदा सरपंच कालूलाल गमेती एवं प्रधान सुंदर देवी के साथ मंच पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया एवं जातिगत अपशब्द कहे गए, अपमानित किया गया। आज भील समाज द्वारा गोगुंदा उपखंड अधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंप कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होने पर समस्त भील समाज में रोष व्याप्त है। दोषियों के विरुद्ध जल्द कठोर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में समाज द्वारा बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं सरकार की रहेगी। कालूलाल सरपंच भील और प्रधान मैडम के साथ में जो अभद्रता हुई थी और जातिगत गालियां दी थी, उनके खिलाफ हमने 2 दिन पहले थानेदार साहब को एक केस दर्ज करवाया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके उपलक्ष में हम आज एसडीएम मैडम को एक ज्ञापन दिया है कि अगर हमारी जो मांग है अगर पूरी नहीं हुई और उनको उत्तर नहीं किया, हम भील से बड़ा आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर गत दिनों भोपालपुरा थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा में हुए युवती की हत्या को लेकर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा दिया गया, लेकिन परिजनों द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल SP अशोक कुमार ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना का कारण पूछने अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार युवती के पति व चाचा द्वारा आपसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन जब तक अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जाती तब तक कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। हाँ, अभी भोपालपुरा थाने के अंदर एक प्रकरण हुआ है जिसमें घर पर एक महिला की दादा हत्या से हत्या कर दी थी। उस पर तत्काल हमें सभी अधिकारी वगैरह वहाँ पहुँचे हैं मौके पर और मौके का निरीक्षण किया है और FSL से भी टीम से भी वहाँ पर साक्ष्य जुटाए हैं हमने और प्रकरण दर्ज कर लिया है अभी। और उन्होंने जो परिवादी है उन्होंने उसके पति पर और उसके जो चाचा है उन पर शक जाहिर किया है, तो उस आधार पर हम जाँच कर रहे हैं और उसके लिए जो भी दोनों हैं उनको हम लाके पूछताछ करेंगे। उसके बाद जो भी स्थिति होगी इसमें किस कारण से ये घटनाक्रम हुआ है वो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। झालावाड़ जिले के तीन
धार के समीप सिटी फोर लेन पर मंगलवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने अल्टो कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार तीन महिलाएं व एक युवक गंभीर घायल हो गए, वहीं एक नवजात बच्चे की भी दर्दनाक मौत हो गई। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल युवक नरेंद्र ने बताया कि सभी मध्य प्रदेश के माचलपुर के समीप स्थित गेहूंखेड़ी गांव के निवासी हैं। वह अपनी पत्नी का प्रसव करवाकर अल्टो कार द्वारा झालावाड़ से अपने गांव गेहूंखेड़ी लौट रहा था। उसी दौरान NH-52 पर तीन धार के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अल्टो कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार चला रहा युवक नरेंद्र सहित तीन महिलाएं भी गंभीर घायल हो गई। हादसे में नवजात बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल लाई, जहां सभी का उपचार जारी था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि निर्माणाधीन सिटी फोर लेन बाईपास पर कार रॉन्ग साइड लाइन पर जा रही थी। ऐसे में कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से चपेट में आ गई। हादसे के बाद ट्रक चालक भी मौके से फरार था। विप्र फाउंडेशन जॉन ए एक का सामाजिक स्नेह मिलन कार्यक्रम बोहरा गणेश रोड पर स्थित गणपति वाटिका में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में आगामी आने वाले परशुराम जयंती पर होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी दी गई। साथ ही ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अधिक से अधिक संख्या में आने का संकल्प लिया। इसके साथ ही विप्र फाउंडेशन जोन 1 के इस कार्यक्रम में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया, जिसमें कपिल श्रीमाली, डॉक्टर रवि शर्मा, भरत मिश्रा सम्मानित हुए। आने वाली 30 अप्रैल व 1 मई तक होने वाले विप्र ट्रेड पिथ की जानकारी भी दी गई और संगठन के प्रदेश कार्यकर्णों की पुण्य घोषणा हुई। श्री राम स्केटिंग क्लब की ओर से स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता कराई। क्लब के संस्थापक संचालक मंजीत सिंह ने बताया कि इस राम नवमी को 26 वर्ष पूरे होने पर श्री राम स्केटिंग क्लब की ब्रांच उदयपुर, चित्तौड़, निम्भाड़ा और राजसमंद के बच्चों के बीच स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 83 बच्चों ने भाग लिया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उदयपुर SEB ने 13 लाख की रिश्वत लेते हुए XN को पकड़ा, पाली में आकर की कार्रवाई। रंजिश को लेकर दो गैंग हुए आमने सामने, दो आदतन अपराधियों के रिश्तेदारों के बीच हुआ झगड़ा। कुंभलगढ़ विधायक की अधिकारियों को खुली धमकी, बोले सरकार बनने के बाद जैसलमेर बाड़मेर में करेंगे ट्रांसफर। बाल आयोग अध्यक्ष का 3 दिवसीय दौरा खत्म, निरीक्षण के बाद ली समीक्षा बैठक। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज़।